हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स के नए टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले आता है स्पेसिएशंस। ठीक है, स्पेसिएशंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, अर्थ पे किस तरीके से स्पीशीज जो है फॉर्म्ड हुए हैं। हमें पता है कि जो इवोल्यूशन होती है वो स्मॉल चेंजेस के थ्रू होती है, उसको बोलते हैं हम माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस आते हैं। जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा था इस बीटल का, थोड़ी सी वेरिएशन आई थी, एक वेरिएंट आया था ग्रीन बीटल, और उसी के फिर आगे जो है पॉपुलेशंस आने लगे। ठीक है, ये जो ग्रीन उसमें आया था और किस तरीके से वो पॉपुलेशन ग्रीन बीटल्स की आगे बढ़ी थी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, बट ये हमें एक्सप्लेन नहीं करता है कि न्यू स्पीशीज एग्जिस्टेंस में कैसे आए थे, तो उसको पहले हमें समझना होगा। ठीक है, अब ये मैंने एक तरह का एग्जाम्पल दिया, एक माउंटेन रेंज में बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट है। ठीक है, और उनमें वही बीटल्स जो है वो रहते हैं, वाइडली स्प्रेडेड है। अब हर जो बीटल्स होते हैं वो मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है कि एक एक बीटल पूरे इस तरीके से फैला हुआ, वो एक कॉमन नेबरहुड में रहते हैं और उनको थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ इस तरीके की पॉपुलेशन होगी बीटल्स के बीच में। ठीक है, उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता और यही वो नेबरहुड में अपनी सब पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। मेल एंड फीमेल बीटल मीट करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है और इसी तरीके से सब पॉपुलेशन जो है वो बनती है। ओके, अब एक्सीडेंटली कभी कभी ये हो सकता है कि गलती से कोई क्रो आया, उसने एक बीटल उठाया और दूसरी जगह माइग्रेट करके रख दिया। अब यहां माइग्रेट बीटल लोकल पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर वहां पे क्या होगा, एक नई स्पीशीज का जो नया जीन ट्रेवल होके आया है वो एंटर कर जाएगी वहां, और वो वहां पे उस नई जीन्स का जो होगा वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स उस बीटल्स में आ जाएंगी। ठीक है, पॉपुलेशन पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड हुई है यहाँ पे, स्पीशीज जो है वो सेपरेट स्पीशीज जो नहीं फॉर्म होंगे वो वही वाले ही फॉर्म होंगे जो है, बट यहाँ पे अगर मान लो गलती से ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज हो जाए थ्रू आउट द टाइम, वहां पे एक नदी आ जाए। ठीक है, अब बीच में नदी आ गई, अब यहाँ पे जो है सब ग्रुप्स जो है दूर दूर हो गए। ठीक है, अब दूर दूर में जीन फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट आया है, जो एक्युमुलेट हुआ है इनमें, जीन्स का फ्लो कम हुआ है तो मतलब जीन्स जो है वो फिर चेंजेस उसमें नहीं आ पाएंगे, सेम लोकेशन में सेम जीन्स वाले ही आएंगे, कोई वेरिएशंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, तो नेचुरल सिलेक्शन भी डिफरेंटली ऑपरेट करेगी इन ज्योग्राफिकल लोकेशन में, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही मिलकर प्रभाव डालते हैं कि किस तरीके से बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे से अलग होगी और कैसे वेरिएंट जो है वो ज्यादा आएंगे। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट और दूसरी है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मेंबर्स ऑफ इन्हीं दोनों ग्रुप के इनकेपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए और फिर वो मिलते हैं और नई स्पीशीज का इस तरीके से जन्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा यहाँ है डार्विन थ्योरी, बट बिफोर वी स्टडी द डार्विन थ्योरी हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो नए नए स्पीशीज जो है वो उनका क्या रहा होगा पास, थोड़ा सा उनके पास के बारे में भी जानते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है बिटवीन द स्पीशीज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अपीयरेंस और बिहेवियर्स में बताते हैं कि कोई भी एक चीज, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म या फंक्शन क्या कर रहा होता है। एग्जांपल, ह्यूमन के फोर लिम्ब्स क्या काम करते हैं, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में सेम सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो तीन आप चीजें देख सकते हैं, ह्यूमन, मंकी एंड क्रोकोडाइल, इनके ही सेम चार कॉमन क्या है, इनमें फोर लिम्स हैं इनके, दो हाथ दो टांग जो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दो स्पीशीज में सबसे ज्यादा हैं, कौन, ह्यूमन एंड मंकी में, तो ये ज्यादा हम बोल सकते हैं कि क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड है तो हम ये कह सकते हैं कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, राइट। अगर मैं इस तरीके से देखूं कि सारे ऑब्वियसली ह्यूमंस क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो उनका कोई ना कोई तो क्लोज कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, बट ह्यूमन और चिंपांजी ये भी क्लोजली रिलेटेड है बट बहुत ही कम इनमें सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंट, दूर के कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। ठीक है, सेम काऊ के साथ भी ऐसा ही है, देखने में तो क्लोजली रिलेटेड है, दो टांग दो हाथ,
बट सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इनका भी क्या होगा, एक वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर का कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीशीज को उनके रिसेंट कॉमन एंसेस्टर और पुराने इसी हिसाब से इनको सब कैटेगराइज करते हैं, और जितने दूर दूर के होते हैं उनको इस तरीके से उनका सुपर ग्रुप एक बनाया जाता है, मतलब ऊपर का ग्रुप, फिर थोड़ा कम कम करके उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं, जिनके वेरी रिसेंट वाले कॉमन एंसेस्टर होंगे जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया इस तरीके से। तो ये ऐसे हम सब डिविजन जो है करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में हम ये बता सकते हैं, जो हमने अब की बैकवर्ड ऐसे ही देखते जाएंगे, तो किस तरीके से जो स्पीशीज है वो इवॉल्व हुए हैं, एक सिंगल स्पीशीज से इवॉल्व होके बहुत सारे जो स्पीशीज हैं उनका जन्म हुआ है, ये चीज हम यहाँ कह सकते हैं। एट सम पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ जो नॉन लिविंग मटेरियल है, क्या पता उसी से राइज हुआ होगा लाइफ का, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सी थ्योरी है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी किसकी है, डार्विन की, जो डार्विन ने दी थी। डार्विन ने एविडेंसेस दिए थे सबसे पहले, वो है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें क्या होता है, जो भी चीजें होती हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं बट उनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, ह्यूमंस के, कैट का, वेल का, बैट, लिजर्ड, ये सबके इनके लिम्स के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया। देखो देखने में सारे सेम है, वही हड्डी है, जॉइंट्स हैं, आगे हाथ आते हैं, ऑलमोस्ट इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सभी के फंक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, वेल अपने यूज करती हैं लिम्स स्विम करने के लिए, लिजर्ड क्रॉल करने के लिए, बैट फ्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं, इस तरह के ऑर्गन्स को, इस टाइप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द फोर लिंब ऑफ अ वेल, कैट, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये रिलेशन बताते हैं हमें डिफरेंट टू स्पीशीज के। ठीक है, ऑन अ कॉन्ट्रेरी इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें तो जो सिमिलैरिटीज हैं इनके सिंपली ऑर्गन शेप के, नेसेसरी नहीं है कि हमें इनका बताया कि कॉमन एंसेस्टर्स होंगे इनके, राइट। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, विंग्स ऑफ द बैट और विंग विंग ऑफ द बर्ड, दोनों के ही जो पंख हैं, चिड़िया के भी और बैट यानी कि चमगादड़ के पंख, अगर आप देखोगे तो जो बर्ड के विंग्स होते हैं वो किस तरीके से हैं, पूरे फेदर से कवर हैं, लेकिन जो बैट के हैं उसमें कुछ फोल्डेड स्ट्रेचेस है, इलोंगेटेड फिंगर्स आप देख सकते हैं हड्डियों की सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो दोनों की चीजें अलग है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट बट सिमिलर फंक्शन, दोनों का फंक्शन सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, उड़ने के काम आते हैं, दोनों के ही जो फेदर्स हैं वो किस काम के आ रहे हैं, उनको फ्लाई करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं, इस तरीके के जो सिमिलर इन फंक्शन होते हैं, फंक्शन में सिमिलर हो पर बेसिक स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो, पहले वाले से एकदम डिफरेंट, ठीक है, उल्टा, तो इस तरीके के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। क्या कहते हैं हम, एनालॉगस ऑर्गन। पहले वाला था होमोलोगस ऑर्गन, ये होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के एविडेंसेस जो उसने बताए हैं वो है फॉसिल्स। पढ़ा भी होगा आपने, कुछ फॉसिल फ्यूल भी होते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत साल पहले हुई हों, ठीक है, अब वो नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस में नहीं है, जैसे कि ये कुछ चीजें आप देख सकते हैं, ये अब जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं, अगर इनके रिमेन्स हमें मिलते हैं तो इन रिमेन्स को हम क्या कह सकते हैं कि वो फॉसिल्स हैं। अब ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है, ये फिश ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मर गया, ठीक है, बॉडीज डिकम्पोज हुई, बहुत सी फिशेस ने उसे खा लिया, लॉस्ट हो गई, फिर ग्राउंड वाटर ने मिनरल्स वगैरह को वॉश्ड अवे कर दिया, रॉक डिपॉजिट इसके ऊपर होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, 100 साल के बाद सी बेड जो है वो माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, फॉसिल जो है वो इसके अंदर कहीं दब गया, फिर रेन आई, उसने ऊपर का जो सरफेस है उसको थोड़ा सा शेड कर दिया, वेयर स्टीयर कर दिया, फिर जब किसी दिन आर्कोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ये खोदा तो उनको वो फॉसिल
मिल गया। तो इस तरीके से फॉसिल्स जो है वो मिलते हैं और ऐसी चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, कहीं पे। तो यही सारी प्रिजर्व ट्रेसेस जो मिलती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो बहुत साल पहले कभी जीवित हुए होंगे पर अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। अब हाउ डू वी नो कि कितने फॉसिल्स कितने पुराने हैं, कैसे हम पता कैसे कर सकते हैं उनकी एज को? तो इसके दो मेथड हैं, एक है रिलेटिव मेथड और दूसरा है आइसोटोप मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या होता है, वेरी इजी, हम अर्थ को, जो नीचे की जमीन है उसको डिग करेंगे, ठीक है। जो स्पीशीज का फॉसिल जो भी मिला, अगर हमें ज्यादा ऊपर वाली लेयर में मिलेगा तो हम बोलेंगे वो नया है, और ज्यादा डीपर मिलेगा तो हम बोलेंगे पुराना है, इस हिसाब से, ठीक है। जितना ज्यादा दूर मिला उतना पुराना, जितना ज्यादा ऊपर मिला उतना नया, ओके। ये हम कैरेक्टराइज इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सटिंक्ट, ओल्डर एंड रिसेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोटोप मेथड, ठीक है। डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। अब आइसोटोप क्या है, यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप बताया कि जो कार्बन होता है, जब कोई चीज होती है जो जिंदा होती है उसमें कार्बन डेटिंग भी हम बोलते हैं, आइसोटोप मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, कार्बन 14 डेटिंग मेथड होता है। तो हम उसमें कार्बन 14 के एलिमेंट्स जो है वो देखते हैं। कार्बन 14 का जो एक तरह का रेडियो एक्टिव चीज है ये, ठीक है, क्या है ये, रेडियो एक्टिविटी। तो हम इसकी चीजें उसमें फाइंड आउट करते हैं, जितना जिंदा होता है उसमें ज्यादा होता है, और जितना मरा होता है उसमें कार्बन 14 की जो C14 का जो रेशियो है, रिएक्शन, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो कम कम होता जाता है, ठीक है। तो जब हमें कोई भी फॉसिल मिलता है, हम उसमें कार्बन 14 के जो आइसोटोप्स है उसको जब स्टडी करते हैं, तो जितना कम होगा उसको उतना ही क्या होगा, पुराना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी फाइंड आउट किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड आई जो है, आई वो एक सिंगल डीएनए से जनरेटेड हुई है, आंख तो आपने देखी होगी, पर ये कैसे इनमें इवॉल्व हुआ है आई का, वो हम देखते हैं आज, ठीक है। आज हम देखेंगे कि आई जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है, द स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ आई। सबसे पहले प्लेनेरिया की आई को देखा गया था, जो एक स्पॉट की तरह दिखती है, जो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर सकती थी, एक छोटा सा उसमें स्पॉट्स, दो बिंदु होते थे। फिर सेकेंड एवोल्यूशन आया इंसेक्ट्स की आंखें, जो कंपाउंड आई थी, इसमें बहुत सारे लेंसेज होते थे, एक ही आंखों में बहुत सारे लेंसेज। फिर नेक्स्ट स्टेज इसमें किस तरह की आंख देखने को मिली, थर्ड एवोल्यूशन में आई ऑक्टोपस की आंखें, कैमरा लाइक आंखें, जिसमें सिंगल लेंस होता है, इस तरीके की आंखें थी उसकी, तो कैमरे का लेंस नहीं दिखता उसी तरीके से, ठीक है, सिंपल एक लेंस का। उसके बाद जो लेटेस्ट है वो अब तरह के जो वर्टिब्रेट्स यानी कि ह्यूमन, उनकी एडवांस आई है, मतलब बहुत सी चीजें हैं उसमें बट लेंस जो है वो एक ही है, सिंगल लेंस। तो इस तरीके से धीरे धीरे किसकी आंख जो है वो इवॉल्व हुई थी टाइम टू टाइम, ठीक है, डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। अब फेदर्स की बात करें, तो फर्स्ट जो फेदर्स थे डायनासोर्स के थे, वो उनको उड़ने के लिए यूज नहीं होते थे, पर धीरे धीरे वो इवॉल्व हुए, उनको पता चला कि हम उड़ भी सकते हैं, तो फिर इस तरीके से पंख जो है वो फ्लाइट यानी कि उड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे, और फिर हम बोल सकते हैं कि डायनासोर और जो बर्ड्स हैं वो क्या हैं, एक तरह के क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, कौन कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, हिस्ट्री में क्या चीजें हुई हैं, चलो हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल किसका लेंगे, वाइल्ड कैबेज का, ये भी एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वाइल्ड कैबेज क्या है, बहुत साल पहले, more than 2000 ईयर, कैबेज, वाइल्ड कैबेज को कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है, और उसी में ही इतने सारे चेंजेस ला ला के फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी चीजें आई, और ये किसने की, फार्मर्स ने की। फार्मर कुछ डिफरेंट तरह के चाहते थे कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पत्ते हैं इनके वो थोड़ा कम रहे, तो उन्होंने एक नई ब्रीडिंग बनाई जिसको कैबेज कहा गया, पत्ता गोभी। फिर फार्मर्स ने सोचा कि अब उन्हें अरेस्टेड फ्लावर, थोड़े से बंद बंद फ्लावर चाहिए, तो एक नई ब्रीडिंग आई जिसको ब्रोकली बोला गया। फिर फार्मर्स को लगा कि चलो अब जो फ्लावर्स हैं वो थोड़े से खुले खुले से होने चाहिए, स्टरलाइड होने चाहिए, फिर एक आ गया कॉलीफ्लावर। फिर फार्मर्स को लगा कि अब जो स्वलन पार्ट है जो उसको थोड़ी ब्रीडिंग की, और फिर नेक्स्ट इस तरीके से आ गया कोलाराबी।
और फिर थोड़ा सा और फार्मर्स ने देखा लंबे लंबे पत्ते चाहिए उन्हें, तो फिर एक नई स्पीशीज निकल के आई केल। तो आप देख सकते हैं ये सारी ही चीजें, कैबेज, फिर उसके बाद ब्रोकली, फिर कॉलीफ्लावर, फिर कोलाराबी और केल, इन सभी का कॉमन एंसेस्टर एक ही है, वो क्या है, वाइल्ड कैबेज। सेम एंसेस्टर से ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट इवॉल्व होके नई नई चीजें बनी है। ये भी एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब पाइसेस एक एक्वाटिक एनिमल्स हैं, यानी कि फिशेस, ठीक है, अंदर रहती हैं। अब ड्यू टू सम चेंज इन एनवायरमेंट उन्होंने इवॉल्व होना स्टार्ट किया, और उनमें एक नई फिश आई जिसको हमने कहा लंग फिश, कुछ इस तरीके से दिखती है, यहाँ आप देख सकती हैं, यानी कि इनमें फिश में क्या थी, लंग्स थी। अब इसमें लंग फिश क्या आई, कुछ खास ये जी नहीं पाई स्टार्टिंग में, और ये फिर से थोड़ा थोड़ा इसमें इवोल्यूशन आने लगा, और ये फिर चेंज होके क्या बन गया, एक मेंढक के रूप में चेंज हो गया। तो इस तरीके से फिशेस में भी इवोल्यूशन आई है, तो एक न्यू स्पीशीज का जन्म हुआ। हालांकि कहीं कहीं जगह आप देखोगे लंग फिश अभी भी मिलती है, बट ऑलमोस्ट वो लंग फिशेस क्या है, डिसअपेयर हो चुकी है, ठीक है। ओल्ड स्पीसीज जो है, यानी कि फिशेस हो सकती हैं, थोड़ी बहुत होंगी, पर न्यूली जो चीज है वो भी आती हैं और वो बेटर होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये दोनों ही फॉर्मेशन ऑफ ए पोल्यूशन में कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद इन ओरिजिनल वन, एक सिंगल से नहीं बोलते हम ये, इट इज सेड दैट कि फॉर्मेशन तो करते हैं बट दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द सिंगल ओरिजिनल वन, एक नए को रिप्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं वो अकेले, ठीक है। इसमें कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है वो भी आती हैं, उन्हीं में इवोल्यूशन होता है और कोई नई चीज पनप के निकल आती है। अब प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि ह्यूमन बींग्स के कॉमन एंसेस्टर्स चिंपांजी हैं, बट ये पूरी हद तक ठीक नहीं है, ठीक है। इनके बहुत सारे कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं, और इन दोनों के ही कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर बहुत पहले रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो टू रिजल्टेंट स्पीशीज आई है, इवॉल्व होके अपनी ही तरह में एक नया नया इन्होंने फॉर्म लिया है, और वी कैन सी देर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सिंपली क्या है, जनरेशन ऑफ द डाइवर्सिटी है, जो चेंजेस आते रहते हैं जनरेशन में, एनवायरमेंट में चेंजेस आने के कारण, बहुत से स्पीशीज में विद इन डीएनए चेंजेस आने के कारण ये स्पीशीज का जन्म जो है वो होता रहता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी में जो है बहुत से स्पीशीज का जन्म होता रहता है। ओके, मैनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपलर डिजाइन अभी भी फॉर्म करते हैं, इनफैक्ट जो सिंपलर लाइफ है बैक्टीरिया में, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में नहीं, डीप सी के अंदर भी जन्म, आर्टिका में भी जन्म, हर जगह रहते हैं। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स ही नहीं है सबसे ऊपर इवोल्यूशन के, बहुत से और स्पीशीज भी है जिन्होंने इवॉल्व किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन एवोल्यूशन का। अब ह्यूमन एवोल्यूशन का टर्म्स, ये सब चीजें हमें कैसे पता चली हैं, ये सब एक्सकेवेट, टाइम डेटिंग, स्टडिंग फॉसिल करके, डीएनए सीक्वेंस को पढ़ पढ़ के हमने ह्यूमन के इवॉल्व होने का तरीका जो है वो ढूंढ निकाला है, और हमें पता भी है कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरह के ह्यूमंस रहते हैं, जिनको हम रेसेस में चेंज करते हैं, कुछ गोरे, कुछ काले, कुछ चाइनीज, कुछ उनका कलर भी डिफरेंट होता है, ठीक है, कलर डिफरेंट होता है, तो हम उनको रेसेस रेस करते हैं, कोई एकदम डिम कलर के होते हैं, कोई एकदम ही ब्लैक होते हैं, कोई ब्राउन होते हैं, ये थोड़ा इवॉल्व होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट में, बट इन सबके एंसेस्टर्स ऑब्वियसली सारे एक ही है क्योंकि इनके फंक्शन एक है, ठीक है, तो सिंगल स्पीशीज में ही हम उनको रख सकते हैं, रिगार्डलेस वो कहाँ कहाँ के लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे ही क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। कहीं से भी वो ट्रैवल हो गए, कहीं पे भी गए होंगे, और उन्होंने जहाँ पे वो रहने लगे हैं उन्हीं की तरह मिक्स होके उन्हीं के ही तरह बन गए हैं, वो अलग चीज है, बट ये सारे सिंगल स्पीशीज में ही आते हैं, ह्यूमन स्पीशीज में, जिसको हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स वाला जो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी डाउट जो है हमसे जरूर पूछें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।